हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अरबी के फसल के हार्वेस्टिंग के बारे में, साथ में उत्पादन के बारे में। और यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो अरबी के फसल के बारे में बनाया गया है नहीं देखा है तो ऊपर आने वाली लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेवो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। विनोद जी, कुछ बताना चाहोगे इस हार्वेस्टिंग के बारे में? जी, ये दूसरे क्षेत्रों में तो क्या है कि मजदूर गश्ती वगैरह से औजार से खोद के निकालते हैं, पर हमारे इधर काली मिट्टी सॉफ्ट है, जो ज़्यादा कड़कपन आ जाता है तो खोदने में नहीं आती। इसलिए हमने जुगाड़ करके ट्रैक्टर के पीछे, मतलब बाकी के जो ये आते हैं उनको निकाल दिए। हल ये देख सकते हो, अब यहाँ पे जो हल लगे थे वो हमने निकाल दिए, और बाकी के दो रहने दिए, पांच निकाल दिए। तो इसको बताओ ऊपर करके क्या सिस्टम? हाँ, ये जरा इसको लिफ्ट थोड़ा, इसमें थोड़े पंजे लगे हुए दो। जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने आरबी के लिए एक जुगाड़ कराए। जैसे आप ट्रैक्टर से इनकी जो हार्वेस्टिंग की जा रही है, जैसे मज़दूर बहुत ज़्यादा लगते हैं ऐसे काम करने में, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एक जुगाड़ है। तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं होता अरबी को? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं। आप देख रहे हो ना, ये हाल के द्वारा पंजी जो लगी है, इस पंजी इसको साइड में कर देती है, जैसा ही लगा अंदर से, एक जरा भी नुकसान नहीं है, पूरा पूरा माल एकदम क्लियर है। आपने जैसे कहा था कि ये पौधे से 5 किलो से 2 किलो कितने बैठ गई है अभी तक आपके हिसाब से? ये अभी बारिश की वजह से हम इसको जरा जल्दी निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी खड़ी आ रही भी है, तो इसमें अभी 2.5 किलो समथिंग में है। यदि इसकी दूरी यदि 1 फीट से 1.5 फीट है तो 2.5 किलो सब निकल रही है इसमें, समझो कि 2.5 किलो गाठ की गाठ। हाँ, गाठ की गाठ में इसमें 2.5 किलो माल इसमें निकल आएगा, क्योंकि हम पानी का मौसम है, सामने बरसात आ गई। हाँ, ये वाला देखो, पौधा एक है पर उसकी गठान बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, बता सकते हैं ना, गठान इसको बोल, ये वाली गठान, ये वाली गठान है, और बाकी आसपास ये इनकी ये है जर्मिनेशन। यदि यदि एक माह और ये रुकती है तो ये डबल हो जाती है। हाँ, ये अंतिम दिनों में डबल ट्रिपल बढ़ती है, जो लास्ट टाइम आ रहता है ना उसमें इसकी पैदावार डबल होती है। हाँ, ये बाकी जो 4 महीने में नहीं होती उतनी लास्ट महीने में होती है। तो ये अभी थोड़ी कच्ची है? नहीं, पक गई है, पर इसमें बढ़ोतरी कम हुई ना। ये अभी जो सामने खड़ी दिख रही है, ये पूरे जमीन लेवल हो जाती है। सामने खड़ी तो आप उसको छोड़ोगे कि नहीं? उसको इसको मजदूरों से कटवा के ना बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि सामने दूसरी फसल लेना है हमको। बरसात की कोई फसल खेत खाली रहेगा तो ले लेंगे, नहीं तो इसको 2 महीने बाद निकालते, इसका उत्पादन ज़्यादा होता और उसमें बढ़ोतरी भी होती। एक हमारे यूजर ने बताया कि इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग में नहीं काम देगी, क्योंकि इसके साइड से धुम्मे निकलते हैं। हाँ, मतलब कि ये हाँ, जैसे फैलती है। हाँ, वो उसमें नहीं काम देगी बिना मल्चिंग की। मतलब आप ड्रिप पद्धति से करोगे बिना मल्चिंग की तो वो बढ़िया रहेगी, बिना मल्चिंग। हाँ, ऐसे भी छाव तो रहती है, पत्ते आ जाते हैं। हाँ हाँ, और पानी तो ज्यादा देते हैं। हाँ, देते हैं ना। इसके साइड में जो बच्चे निकलते हैं वाले, ये नहीं निकलेंगे तो ये साइड से किसका बढ़ेगा? ये पहले ये निकला, इसके साइड में ये बढ़ी, अब इसके साइड में फिर ये अलग अलग निकलेगी। ये तो देख रहे हो, हर जो गठान रहती है उससे पौधा निकलता है कि एक ही पौधा निकलता है? नहीं, गठान से ये गठान से सब अलग अलग पौधे निकलते हैं, और वो एक साइड से 1 से 4, 4 से 6 ऐसे बढ़ते, हाँ बढ़ते जाते हैं। हमारे इधर अभी मजदूर लगाए हैं इधर लेवल। तो ये ट्रैक्टर तो आपका खुद का है? हाँ। और ये पहले जुगाड़ लोगों ने की थी कि आपने की पहली बार? ये हमने पहली बार की है। हाँ, पहले हल से निकालते थे बैलों के द्वारा, फिर हमने देखा कि ये काली मिट्टी में बैलों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो फिर हमने वो हल ट्रैक्टर से जुगाड़ करवाया। हाँ, ये सत्ते जो दिख रहे हैं इसमें सत्ते निकाल दिए हैं, बाकी के आइट साइड के 5 सत्ते निकाल दिए, 2 रह गए। इसको मिसाइल बोलते हैं अपनी भाषा में।
हाँ हमारे इधर इसे मिसाइल बोलते हैं। तो मिसाइल के जो तीन फर्रे हैं, पांच फर्रे वो निकाल दिए, दो रह गए। दो रखे फिर, हाँ दो रखे। और उसकी भी जो बराबर जो बुवाई की जो मतलब बीच की दूरी थी हाँ वही दूरी वही लिए जो अपन निकालने में दिक्कत है। हाँ ये बाकी सेटिंग हो जाता है आगे पीछे जैसा अपन करना चाहे उसको। हाँ ये, हाँ ये सेटिंग हो जाती है जो हॉल पास किए हुए, बाकी ये दो फिक्स है कि अपन वो लगे कि इसको आगे पीछे कर सकते हैं निकालने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये एक जुगाड़ की गई है, जुगाड़ की गई है जिसमें आपको हम बताएंगे। जैसे कुछ यूजर ने पूछा था कि हार्वेस्टिंग के लिए निकालने के लिए कुछ हो तो बताइए, ये देख सकते हो। और साथ में ये कितनी गहराई तक जाता है ये अरबी का पौधा जो भी? ये इसकी मिनिमम गहराई 2 से 2.5 फीट रहती है। हाँ नाली भी लगाते हैं 2-2.5 फीट, और यदि बेड बनाते हैं तो 2-2.5 फीट जमीन से ऊपर बेड बनता है, 3 फीट चौड़ा उसके ऊपर बनती है। ये काली मिट्टी में ये सब जुगाड़ने, तो भूरी मिट्टी रहती है तो उसमें नहीं हो पाता ये, हाँ मतलब नहीं, नीचे नीचे रह जाती है। हाँ उसमें भी हल तो काम देगा, उसमें भी काम देगा, उसमें क्या बेल से भी निकाल सकते हैं अपन। हाँ ये काली मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, पानी गिर गया थोड़ी नरम है अभी, बाकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो गश्ती वगैरह से खोदने में नहीं आती है। हाँ जैसे अपना वो जा रहे, तो ये आपका टारगेट कितना है, कितना निकल जाएगा इससे उपज? ये अपने टारगेट है इसमें 70 कुंटल समथिंग में। अभी रेट हाँ क्या चल रहा है? रेट चल रहा है 15 रुपये किलो अच्छी क्वालिटी का। तो आप बीज भी रखोगे इसमें? हाँ बीज इसमें, इसमें क्या है जैसे अभी हल रही है ऊपर ऊपर निकल जाएगी, नीचे जो कुछ छूट जाएगा हाँ उसमें बीज रख जाएगा। हाँ बीज बीज का उसमें रह जाएगी। तो आप डायरेक्ट इंदौर जा रहे हो कि किसी को बोला है आपने? नहीं अभी तो हमने व्यापारी के हिसाब से मंडी में जो लॉकडाउन चल रहा है बराबर लग्न खुला नहीं, हाँ। तो व्यापारी संपर्क किया, थोड़ा थोड़ा माल पहुंचा रहे हैं, वो जैसा ऑर्डर देंगे वैसा निकाल के अपन ये कर देंगे। हाँ ये सामने जो कट्टे रखे हुए हैं इन कट्टों को 50 किलो की भर्ती इस हिसाब से, बाकी हमारे हिसाब से इसमें बैठक बहुत बढ़िया बैठी है, अपन जितनी जल्दी कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया बैठक बैठी हुई है। ये 2 किलो तो आराम से आ जाएगी? हाँ 2 किलो कहीं नहीं गई है, एक और ये क्या है साइड से लगी हुई है, बाकी इसमें पानी लंबा नहीं चल रहा, जैसे पानी लंबा चल रहा है उसमें तो और ज्यादा बैठक बैठी हुई है। आओ ना इधर बता, ये वाला। हाँ इसमें एक नुकसान बराबर कुछ भी नहीं है, हाँ इजीली निकल गया ये। अभी इसमें मिनिमम 2 किलो से ऊपर बैठी है, यदि आप पूरा टारगेट निकालते हो तो 2 किलो से ऊपर ही बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। और यदि आप इसको भी 1 महीने और रहती ये डबल हो जाती 5 किलो। हाँ 1 महीने कसा रखी आप देख रहे खड़ी है, खड़ी पूरी पकने के बाद पूरा ये साफ हो जाएगा, इसको फेंकने की जरूरत नहीं रहती। ये जैसे ये पौधे जो, तो इसको आप सड़ाओगे कि बाहर फेंको खेत से? ये इसको अपने हमने गड्ढे में, गड्ढे में खाद के लिए कर दिया है जी। हाँ रोटर कर देंगे कोई टेंशन नहीं, बाकी इसको उठा के एक जगह रख दिया कि अभी बारिश में सड़ गल के नहीं है, खाद बन जाए कंपोस्ट वगैरह। तो अभी कुछ परेशानी है जैसे अपनी खेती की, तो इसमें कुछ परेशानी भी आती हो जैसे कुछ बीमारी आ जाना, तो पानी नहीं ज़्यादा दे पाना टाइम से? नहीं इसमें गर्मी की रहती है तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ बस बाकी समस्या कुछ नहीं, बीमारी का तो आटे गर्मी में रहता नहीं, बारिश में थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह मच्छर वगैरह परेशान करते हैं, बाकी गर्मी में कोई बीमारी नहीं रहती। और इसमें ड्रिप सिस्टम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, अपने प्रॉब्लम नहीं कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं ड्रिप से, तो और बढ़िया इसको उपज बढ़िया रहेगी और पानी भी मात्रा भी कम लगेगी। जैसे दोस्तों आपने जो हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी ले ली है विनोद जी से, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको मैं स्लाइड में दे चुका हूँ। आए बेटा इधर निकाल। ओके सर, विनोद जी आपसे कोई संपर्क करेंगे तो आप थोड़ा डिटेल में उनको बता दीजिए कमेंट कर। हाँ तो कोई यदि संपर्क यदि जानकारी चाहिए तो कोई फ्री में उपलब्ध करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चार्ज वगैरह लेते हैं किसान होने के नाते, तो हम इससे संपर्क कर सकते हैं जो हमारा। और किसी को लेना भी हो आरबी? हाँ आरबी को लेना हो बीज हो तो वो भी उपलब्ध करवा सकते हैं। क्या है कि ट्रांसपोर्ट यदि अदर राज्य से बाहर राज्य से तो ट्रांसपोर्ट उसको लगता है, यदि आपने ही इधर है तो अपन यहीं से उसको मतलब माल पहुँचा देंगे ऐसा। जैसे आप देख सकते हो अरबी की खेती ये खरगोन जिले में बहुत कम होती है, और पर उपज अच्छी है इधर। और ये जो मजदूर लगे हैं ये किस हिसाब से, उधड़ा दिया है कि दाड़की के हिसाब से? नहीं ये तो उधड़ का ही काम चल रहा है,
हाँ भाई तुम तुम्हारा करो और घर जाओ और हिसाब से। हाँ जी, पूरे खेत की निकाल दो। चलो हाँ पूरी खेत की वो निकलेगी वो ये। तो वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं, आरबी में बैठा है काफी काफी संख्या में मतलब संख्या बहुत ज्यादा ही है, ये। और इसके बाद भी नीचे छूट जाएंगे तो उससे वो बीज का उपयोग करेंगे। हाँ इसके बाद भी 10% रह जाएगी, जो भी बीज निकलेगा ऊपर वो चुनने के बाद 10% रह जाएगी, वो बीज में काम आएगी। और आप साइड में जो देख रहे हो, इनको ये कटाई कर करके धीरे धीरे निकालेंगे, क्योंकि जल्दी कटाई कर देंगे तो फिर वो टाइम से निकल नहीं पाएगी तो वो वेट लॉस होगा। वेट लॉस भी होगा और फिर क्या दूसरी फसल नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि मानसून 4 महीने रहता है। 4 महीने में अपन कोई भी सोयाबीन मूंग जैसी फसल मक्का वगैरह इसमें ले लेंगे तो अपन को ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा और भाव भी बढ़िया आएगा, क्वालिटी भी बढ़िया। हमने देखा माल में ऐसी चमक तो शायद ही हम बीज लाए तो उसमें भी नहीं थी, इतनी चमक तो हम बीज लाए तो उसमें भी नहीं थी। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की, कोई भी संपर्क कर सकता है तो अभी उपलब्ध हो जाएगी, बाद में नहीं होगी। क्योंकि 2-4 दिन में बिक जाएगी। हाँ 2-4 रोज में इसको हम निकाल देंगे।